गाजीपुर जगन्नाथ से जहाँ सिद्ध पीठ हत्याराम शादी नवरात्र के सातवें दिन आज विशेष रूप से माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। आज सिद्ध पीठ मंदिर का पवित्र प्रांगण पूरी तरह खचाखच भरा रहा। काशी से आए हुए प्रकाट विद्वानों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूरा मठ परिसर गुंजायमान है। एक तरफ प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज की हरिहरात्मक पूजा देखकर मानो भगवान शिव स्वयं सिद्धिपीठ हत्याराम मठ में विराजमान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। श्री साईं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आए हुए सभी शिष्य मंडल को फलाहार की समुचित व्यवस्था की गई है। श्री सिद्ध पीठ परिसर के बाहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मोहम्मद फैज पंचायत विकास अधिकारी सफाई कर्मियों को लेकर मठ परिसर तथा मठ के बाहर सफाई की समुचित व्यवस्था कर रहे। आचार्य द्वारा पूछने पर पता चला कि विजयादशमी के दिन 11 बजे के बाद ध्वजा पूजन से विजयी कभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आचार्य जी यह भी बताने से नहीं चुके कि विजय दशमी के दिन समी पूजन का महत्व तो इतना है कि समी पूजन करने से किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रह जाती, माँ की कृपा से सारे लोग धन्य हो जाते हैं। चंडी महाजी चल रही है जी। कल यहाँ रात्रि जागरण, हवन, अष्टमी पूजा इत्यादि जन कल्याणार्थ यह कार्यक्रम चल रहा है जी। कितने गुरु जी, कितने ब्राह्मण हैं जो पूजा? 13 ब्राह्मण हैं। 13 ब्राह्मणों के द्वारा यह सचंडी चल रही है आराम से। ये कब से चल रही है और कब तक चलेगी? ये 7 तारीख से चल रही है और 15 तारीख दसवीं तक चलेगी। दसवीं को इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। कल रात्रि जागरण में हवन होगा अष्टमी का, रात्रि को अष्टमी का हवन करने के बाद फिर नवमी दसवीं को यहाँ समी पूजा, अपराजिता पूजा, ध्वज पूजा इत्यादि सारा कार्यक्रम रहेगा। गुरु जी एक बात बताएं कि ध्वज पूजा के लिए कोई समय निर्धारित होता है क्या? ध्वज पूजा के लिए अपराजिता हमारा समय ये अभिजीत मुहूर्त, ध्वज पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त होता है जो 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में ध्वज पूजा किया जाता है। अच्छा, ये समी पूजा का भी कोई समय निर्धारित होता है? कितने समी पूजा का कोई समय निर्धारित नहीं है इसका, तो सुबह से शाम तक हम कभी पूजा कर सकते हैं। दसवीं में करना है पूजा। दसवीं में जी, दसवीं में पूजा करना। गुरु जी एक मिनट थोड़ा सा भी बताना चाहेंगे कि इस वो ध्वज पूजा से और समी पूजा से आम जनमानस को लाभ? समी पूजा से ग्रहों की शांति हो जाती है, सारे ग्रह उनके अनुकूल हो जाते हैं जी। ध्वज पूजा करने से विजय प्राप्त होता है, सुख प्राप्ति होती है, शांति प्राप्ति होती है, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ध्वज पूजा करने से। ध्वजपिता का विजय का प्रतीक है जी। इसलिए ध्वजपिता का पूजन हुआ होता है कि हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे, हमेशा मैं जहाँ भी जाऊँ विजय पता करके आ। इसलिए ध्वज पूजा होती है, विजय का प्रतीक ध्वज जी जी जी।